देखो भैया, हॉलीवुड में चल रहा है एक अलग ही टाइप का यूनिवर्स, डीसी मार्वल का मल्टीवर्स, जिसने पूरी दुनिया को पागल बना रखा है। लेकिन चोरी चुपके अपने इंडियन सिनेमा में भी एक ऐसे ही यूनिवर्स की तैयारी हो रही है, गैंगस्टर यूनिवर्स, KGF। इस नाम के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत तो है नहीं, रॉकी भाई पूरी दुनिया इनकी टेरिटरी है। लेकिन अचानक से किसी को बिना बताए KGF बनाने वाली उसी कनाडा फिल्म इंडस्ट्री ने एक और धमाका कर दिया है। हाँ जी, इस गैंगस्टर यूनिवर्स के नए मेंबर का इंट्रोडक्शन दिया गया है आज। फिल्म का नाम है कब्जा, जिसका ऑफिशियल टीजर यूट्यूब पर आज रिलीज हुआ है। बिल्कुल KGF की तरह इस फिल्म को भी पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इन शॉर्ट, हिस्ट्री दोबारा बनने जा रही है। टीजर में आपको सेम टू सेम 100% KGF वाली वाइब्स फील हो जाएंगी। एक एक सीन में KGF का रेफरेंस देखने को मिलता है, स्पेशली फिल्म के स्टार्टिंग में जो लोगो डाला गया है, या फिर सिनेमाटोग्राफी या फिर कलर पैटर्न की सिमिलैरिटी। और KGF जैसी एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश नॉर्मल लोगों से हटके, साथ में बैकग्राउंड में चलने वाला वॉयलेंस। अब या तो इस फिल्म के मेकर्स KGF को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं या फिर हाईली रॉकी भाई से इंस्पायर्ड हो चुके हैं। दोनों सिचुएशन में फायदा सिर्फ ऑडियंस का है। फिल्म की कहानी प्री इंडिपेंडेंस टाइम में सेट है, जब देश के अंदर पावरफुल लोग रूल कर रहे थे, जिसकी जितनी ताकत वो उतना बड़ा राजा बन गया। लेकिन एक चीज जो मुझे इस टीजर में पर्सनली सबसे बढ़िया लगी, पूरी तरह KGF को कॉपी मारने की कोशिश नहीं की गई है। वहाँ रॉकी द मॉन्स्टर पे फोकस था, एक इंसान पूरी दुनिया मुट्ठी में बंद करना चाहता था। लेकिन कब्जा में प्रॉपर गैंगस्टर ड्रामा वाला फील आ रहा है, जैसे हॉलीवुड में फिल्म्स बनती है उस टाइप का। वो हम पढ़ते नहीं है बुक्स वगैरह में अंडरवर्ल्ड के बारे में, अलग अलग गैंग्स होते हैं जो आपस में वॉर लड़ते रहते हैं। जबरदस्त खून खराबा, गन्स की तेज तेज आवाज और चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत। यहाँ भी ठीक कुछ वैसा ही फील हो रहा है। हाँ, लेकिन KGF की तरह इमोशंस भी डाले गए हैं। माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा, वो वाला डायलॉग दिमाग में रिवाइंड हो गया। ऑनेस्टली सच बोलूं तो ये टीजर बाकी मूवीज की तरह नॉर्मली रह जाता अगर इसमें रवि मसरूर का म्यूजिक न डाला जाता। क्या पावरफुल बीट्स डाले हैं यार टीजर में। बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशंस प्लस दमदार स्टोरी टेलिंग की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसकी कास्टिंग। उपेंद्र तो फिल्म को लीड कर रहे हैं, लेकिन पीछे से किच्चा सुदीप का नाम एक हिडन सरप्राइज है। ये फिल्म में क्या बवाल मचाते हैं वो देखना मजेदार होगा। हीरो विलन इनके साथ तगड़ा वाला सस्पेंस जुड़ा हुआ है। बॉस, कनाडा इंडस्ट्री सिर्फ 70-80 करोड़ में ऐसे लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट्स को पुल ऑफ कर रहा है, अनबिलीवेबल चीज है ये। सपोर्ट तो बनता है यार, यही वो फिल्म्स हैं जो इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल देंगी। कंटेंट इज द किंग। अभी इट्स हाई टाइम बॉलीवुड को मेहनत करनी पड़ेगी बॉस, वरना कॉम्पिटिशन करने लायक तक नहीं बचेगी अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अब देखो, जैसे विक्रम वेदा आने वाली है बहुत जल्दी, एकदम मासी सिनेमा लेकिन रीमेक है। ओरिजिनल माल तो बनाना पड़ेगा गुरु बॉलीवुड को, वरना साउथ सिनेमा का कब्जा हो जाएगा ऑडियंस के दिल पे। वार्निंग भैया वार्निंग। मुझे पता है आप में से 90% लोग तो इस फिल्म का नाम पहली बार सुन रहे हो और टीजर तो क्या इसका पोस्टर तक नहीं देखा होगा। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, भाग के जाओ यूट्यूब पे कब्जा टीजर सर्च मारो। अगर पसंद आए तो बाकियों को भी जरूर बताना। और वो लोग जो ऑलरेडी टीजर देख लिए हैं, क्या लगता है KGF का कॉम्पिटिशन आने वाला है या फिर KGF का सस्ता कॉपी बनाने की कोशिश है? वैसे गैंगस्टर यूनिवर्स के बारे में क्या ख्याल है आपके? कहीं मॉन्स्टर भैया के नए नए दुश्मन तो नहीं तैयार किए जा रहे सीक्रेट स्टाइल में? सोचो सोचो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी।